कोई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दो भारतीय जनता पार्टी में जिसने आजादी में भाग लिया हो। अरे जिनका इतिहास नहीं वो इतिहास क्या बताएंगे। और ऐसे छोटे मोटे छुट भैया टाइप के पर्दा वालों को छोड़ देते हो जिनके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है। देशद्रोह का केस चला, नरेंद्र से जाके मिली, नरेंद्र ने बोला हम बचा लेंगे देशद्रोह से, तो नरेंद्र ने बोला तुम ऐसा बोलो, वो वैसा बोलने लगी। हम तो ये मान के चले, उसके पहले तो ऐसा नहीं बोल रही थी वो। किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, किसने बोलने के लिए अग्रेषित किया, जिसके ऊपर देशद्रोह चलता रहे और वो देश के बारे में ऐसी बात करे, तो आप खुद समझिए, आप बुद्धिजीवी हैं भाई, चाय बेचने वाले की बुद्धि कितनी हो आज समझ में आप लोगों को आना चाहिए। धन्यवाद। प्रजापति जी का सवाल है, वे पहले ही से विवादित व्यक्ति हैं। एक तो उन पर सबसे बड़ी वो है कि नरसिंहपुर जिले में प्रजापति समाज एससी में नहीं आती, पूरा जिला और प्रदेश जानता है कि वो प्रजापति हैं या पिछड़े में आते हैं, और वो जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं एक तो वही, दूसरे तो कांग्रेस की विचारधारा जिसे आप समझ लीजिए, उनके विचार आप समझ लीजिए। ये तो ये भी कहते हैं कि बिना खड़ दे दी मुझे आज़ादी, बिना खड़क भिड़ा ढाल, आज़ादी ऐसी मिल गई क्या? 1842 की क्रांति में हमारे ज़िले से लोग यहाँ, राजा हृदय शाह वो यहाँ शहीद, उनका सारा राजपाट समाप्त हो गया, डेलन शाह समाप्त हो गए, भगत सिंह आ जाए, तो ये भी इसकी कहानी भी कहते हैं दे दी मुझे आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो उससे भी आज़ादी मिली है क्या, उसको झुटला सकते हैं क्या आप? तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और उसके पास कोई मुद्दे नहीं, तो इस प्रकार के काम कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो निंदनीय है, और वो एक जिम्मेदार पदों पर वो रहें, इसलिए सोच समझ कर अगर उनको कांग्रेस में अपने नंबर बढ़ाना तो बात अलग है, आप बढ़ाइए नंबर, मगर इस प्रकार से संबंधित पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, और कोई भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी अगर ओछी बात करेंगे तो उनकी मानसिकता में, ऐसा मानता हूँ उनकी मानसिकता भी ओछी होगी जब तो इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं। जो भी संबंधित पद पर बैठा है, चाहे वो दल का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका सम्मान होना चाहिए, ये हमारे संविधान की मर्यादा है, मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।